खबर है यूपी से, जहां मोहम्मद अहमद अंसारी का जनसंपर्क अभियान शुरू कर चुनाव लड़ने की तैयारी। जी हां, खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के हंडिया में बहुजन समाज पार्टी से 2002 में प्रतापपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद अहमद अंसारी आगामी 2022 में फिर से प्रतापपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की जोर शोर से तैयारियां करने में जुट गए हैं। साथ ही साथ जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने आगामी 2022 में भारी मतों से जीत दर्ज कराने की उम्मीद जताई है। देखिए हंडिया से प्रदीप मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। इसलिए वो भी जो है और दूसरे सपा की तरफ इसलिए नहीं जाना चाहते कि सपा का जो बेस होता है वो थोड़ा दबंग हुरदंग टाइप का है, जिससे उसके उससे लोग असंतुष्ट होते हैं। और हमारा एक और छोटी बात है, ब्राह्मण समाज में मिला, ब्राह्मण समाज जो है वो मौजूदा सरकार से संतुष्ट, उसका सीधा ये कहना है कि हमारे साथ जो है पता है और हम इसकी। देखिए सब कुछ देते हुए भी विपक्षी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी को बेहतर ना मान करके वो कहती हैं कि पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी फ्लॉप हो चुकी है और इनका उत्तर प्रदेश में आना नाम कि नहीं, इसको लेकर क्या कहते हैं? बहन मायावती जी का मैं आपको बता दें कि महीने में हमारे वर्कर्स जो बीएसपी के वर्कर्स हैं, जो संगठन के वर्कर्स हैं, सबसे ज़्यादा मीटिंग करते हैं। कम से कम 4 प्रोग्राम वो हर विधानसभा में बूथ स्तर पर और वहाँ से लेते हैं। तो उस स्तर पर मेरी कार्रवाई चले, बूथ स्तर पर हमारी कमेटियाँ बनाई जो कि किसी पार्टी में नहीं हमारे अलावा। और बूथ स्तर पर हमारे 437 ग्रुप में हमारे लगभग 44 तो हमारे सेक्टर में, हर सेक्टर में जो हमारे दत्तक बूथ पर 5-5 आदमी लगे थे जो कि पार्टी वर्क कर रहे हैं। दूसरे इस बार जो है जैसे हमारा SC समाज है वो टोटल हमारे तरफ मुझे बनाए हैं और BJP या SP के साथ में जाकर के ये देखा गया है कि अभी तक तो फिलहाल आपके राष्ट्रीय